ये रहा सुबह का व्यू, वाह। और अब हो चुका है टाइम हमारे उबरे के पास जाने का, तो पानी पिलाना है, गोबर फेंकना है और जल्दी से वापिस आना है। किवाड़ खोला, तो मैं बन जाती हूँ चंद्रमुखी का डायलॉग है ये, किवाड़ खोला। ओ भाई, मुझे खा जाएगी पीछे से। तो इनके लिए हमें जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, इसमें तो घास ही घास हो गया है। जल्दी से फिनिश करूँ, तब तक मैं इसके लिए दूसरा पानी लाती हूँ क्योंकि इसके जूठा नहीं पीती है। पानी पानी रे, खारे पानी रे। आयो, आउच। तो इसको भी और डालना पड़ेगा शायद, इसको भी और डालना पड़ेगा। तो इसको प्यास लग रही, प्यास लग रही है। पी लो यार, नाराज हो गया। अब इसके लिए कहीं दूसरा लाना पड़ेगा मेरे को, इसको फेंक के, क्योंकि पिएगी नहीं। भगवान पी ले बस, बस मैंने नया डाला उसमें पानी, तो इसको पता लगता है सूंघ सूंघ के पीती है ना, ये पी तो रही है। चलो अच्छा ही हुआ तुम्हारी और डाल दी मैं, इससे मेरे को डर नहीं लगता है, अच्छा बच्चा है। तुम पियो पहले, पीना नहीं। क्या पता ये गाय का जूठा ना पिए, पता नहीं चलता कई बार डंगरों का। इसकी सींग देखो कितने डेंजरस है। तो अपनी कैन भी लेकर आते हैं, अगर कम हो गया तो। ये तो पी रहा है, पर इसको कैसे पिलाना, मैंने दूर से रख देनी बाल्टी। अब इसके पास को रखती हूँ, हटे। कल भी मेरे पीछे भाग गया था, इसके लिए और लाना पड़ेगा अभी। तो मैंने दूर से दे दिया इसको पानी, हाय। बाल्टी कैसे खींचूंगी मैं इसके पास से, डंडा दिखाऊंगी इसको, थोड़ा सा डराने की कोशिश करूंगी इसको, क्या पता डर ही जाए मेरे से। बहुत टाइम लगाएगा पीते पीते पीते। जल्दी पियो। मेरी ना वॉशिंग मशीन ही ख़राब हो चुकी है और कपड़ों का इतना सारा ढेर पड़ा है ना धोने को, तो मैंने एक भैया को बुलाया है, इलेक्ट्रिशियन है ना वो, तो वो 12 बजे तक आएंगे। उससे पहले मुझे फटाफट से गोबर फेंक के ऊपर जाना है। क्या तुमको तो रास्ता ही पता नहीं लगे सड़क से कि कहाँ जाना है मुझे, तो मुझे जल्दी जाना है ताकि वो मेरी वॉशिंग मशीन ठीक कर दे और मैं कपड़े धो सकूं। हट, तू टस से डरता भी नहीं। ए, निकाल लूँ। दादू आ रहे हैं उत्कर्ष को लेके नीचे, इनको लग रहा है कि मैंने बैलों को पानी नहीं पिलाया होगा इसलिए वो बैलों को पानी पिलाने आ रहे होंगे। उत्कर्ष मजा आ रहा है, पड़ा दिया मैं पानी, पड़ा दिया मैं पानी, गाय पड़ा दिया, बोलता भी पड़ा दिया, बोलता पड़ा दिया, हाँ बस खाने पाना अब, तू ये पिया, हाँ दोनों पी लिया। तुम जो से तो इसने बाजा बजाना सीख लिया है ये। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मैं आई हूँ फ्लावर्स लेने अपनी बुआ जी के घर। मैं बनाऊंगी इसकी माला अपने कृष्णा के लिए। बैठ, तो नींद आ रही है अभी।
वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं बुआ जी के घर से लाई हूँ फूल। बहुत दिनों से सोच रही थी और मैं बना नहीं पा रही थी माला अपने कृष्णा के लिए, तो अभी हम बनाते हैं मिलकर। उल्टी सीधे लगा दी मैंने, पता नहीं कैसे। नहीं बात नहीं, तो ऐसे चला रहेगा। हाँ नहीं, मुझे बताइए ऐसे चला कैसे। मुझे नहीं आता, उल्टे फुलटे ही लगा दो। काश मेरे पास पिंक कलर के फ्लावर्स होते ना, गुलाब वाले। मुझे लाते गुलाब वाले, तोड़ने का मन नहीं करता इतने प्यारे प्यारे फूल। पर थोड़ी सी लाते ना, एक ही लाते हैं सिर्फ, बीच में लगा देते कितना अच्छा लगता। अब अच्छे लगे ना ऐसे। ये वाले मैंने गलत लगा दी ना, ये वाले अच्छे लगा। बहुत बड़ी बनाना, थोड़ी छोटी करो, पापा के लिए भी हो जाएगी। पापा को बना नहीं माला, हम अपने कृष्णा के लिए बना रहे हैं, वो कितने सुंदर लगेंगे। इन बड़ी वाली फोटो में लगाना। शमान बसु वृंदावन में, शमान बसु वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। तो आप लोगों को सुंदर माला बनानी आती होगी, पर मुझे नहीं आती। ये वाली सुंदर लगी ना, यहाँ से ये वाली अच्छी लगी, इसको निकाल दूँ मैं अच्छे से भरूंगी इसको। पर निकलेंगे पहले निकाल लेंगे, यहाँ तक मेरे को अच्छी लगी। मम्मी मैं बना लूँगी छोटे भगवान के लिए। ठीक है थोड़ी सी रख दूँगी यहाँ वाला कर। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, कान्हा थोड़ी सी और बड़ी चाहिए। मम्मी ऊपर से तो बहाना है, ज्यादा मत लो ना। इसकी खुशबू बहुत पसंद आएगी भगवान जी। मैं सब भी करो तो वो ऊपर से कैसे बांधोगे आप? मैं बना लूंगी ना, मेरे को अच्छी लगती है, थोड़ी चीजें बननी चाहिए ना। कैसी लग रही है? अब बस बांध दो ऊपर से धागा तोड़ कर। अब मुझे चाहिए माला। अरे एक्स्ट्रा धागा मुझे काटना था, पर मुझे सीजर नहीं मिल रही है। छोड़ो छोड़ो, मेरी माला है इतनी सी, अच्छी है। पर और समृद्धि हो चुकी है बिल्कुल ठीक, और आज एग्ज़ाम दे के आई है, तो आज इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये रहे मेरे कृष्णा। और कभी कभी लगता है ना कि अगर हम फ्लावर्स होते तो हमें भी भगवान के चरणों में जगह मिल जाती है, हम भगवान के पास पास रहते। माला काफ़ी अच्छी बनी है, उम्मीद है मुझे कृष्णा आपको भी पसंद आई होगी। तो ये राधा की संग है और माला बहुत सुंदर लग रही है। ये छुपा के रखा है अपनी बुक्स के ऊपर। अब जाके कहीं मुझे शांति प्राप्त हुई है। दोस्तों अब धुल रहे हैं मेरे कपड़े। ये वॉशिंग मशीन को ठीक करते 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 बहुत टाइम लग गया। शाम का वक्त हो चुका है और ठंड इतनी होगी ना, कपड़े धोने का भी मन नहीं कर रहा। अब कहीं धूप भी नहीं, देखो दूर दूर बची हुई धूप, बाकी हमारे घर के पास तो नहीं है कहीं भी नहीं धूप। काली यार इसमें। गुड इवनिंग दोस्तों। तो कपड़े धोने के बाद ना मेरे हाथ ना एकदम फ्रीज हो चुके हैं, ऐसे बर्फ की तरह पानी था ना, मैंने तो आग ही जला दी, हाथ डेड हो गए बिल्कुल। तो अब करेंगे किचन का काम शुरू। उत्कर्ष भाग चुका है। उत्कर्ष चोर हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। अभी जाने का मन नहीं करता, चोर नहीं है ना ये, बहुत ज़्यादा चोर नहीं, बहुत बड़ी चोर नहीं है ये। निकल बाहर, ये नहीं डरती है किसी से। निकाल, दरवाज़ा खुला रहा तो ये अंदर घुसे। तो ये देखिए दोस्तों ये है क्या है, यहाँ मेरा खेत था ना पहले धनिये वाला, और ये देखो ये क्या है इधर। तो जैसे हमारे घर की बाहर वाली दीवार जो है पत्थर की लग रही है ना, तो अगर ईंट की दीवार लगती है तो सीमेंट लगता है बीच में, सीमेंट और रेत पत्थर की लगती है तो ये मिट्टी का गारा लगता है बीच में। पता है क्या याद आया, जैसे बुक में चित्र होते थे ना दिए हुए ज्वालामुखी के विस्फोट के, ऐसे ज्वालामुखी होता था और बीच में ऐसे उसमें उबल रहा होता था कुछ लावा।
क्या क्या सोचती रहती हूँ ना, इसका कंपैरिजन मैंने कहा किस चीज से कर दिया, ज्वालामुखी के चित्र से। तो ये है बाहर वाली दीवार, पत्थरों के बीच में लगता है वो मिट्टी का गारा। वेलकम बैक दोस्तों, अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हो तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ।